नेता प्रतिपक्ष और पांच में मैं हूँ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे खुशी है कि जमकर के चर्चा हो चार दिन। मैं आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय आपका, तीन दिन में चार दिन रखे, जिससे कि जो शानदार बजट पेश किया गया, जिसको लेके पूरे सदन के अंदर विपक्ष विपक्ष ने भी आलोचना करना दूसरी बात है, करना भी चाहिए आपको, परंतु उस दिन मैं देख रहा था और मैं बहुत प्रसन्न था, सब लोगों ने चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक स्वर में मन के अंदर, किसी मन में, किसी ने शब्दों में, किसी किस रूप में उसकी तारीफ करी, उसको अप्रिशिएट किया। और ये बात मुझे कहते हुए गर्व है कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो क्या ओकेजन था जब मैंने अपनी बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय वही ओकेजन था कि पूरी प्रेस के सामने इतना शानदार बजट आने के बाद में कोई क्वेश्चन था ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछे क्या। तो मैंने उचित समझा जिस बजट को मैंने रखा है और हमारे पत्रकार मित्र सब उसको अप्रिशिएट करने में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो वादा करता हूँ उसको निभाऊँ कैसे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि और जो सदन की भावना भी होती है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। और उसमें से बात आ जाती है और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हम जनता के ट्रस्टी हैं, तो कैसे हम संवेदनशील बने रहें, कैसे हम लोग पारदर्शिता के साथ में काम करें और पारदर्शिता को हम लोग किस प्रकार से अंकुर लगा के करप्ट लोगों पर उनको दबा करके हम लोग कामयाब हो सकें और जवाबदेह, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके प्रति जवाबदेह हमेशा रहें, मिलते रहें सुबह शाम दोपहर को जब मौका लगे, और उनकी जो वाजिब समस्याएं हैं उनको दूर करने में हम लोग कोई कोताही नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष महोदय चुनाव हुए असेंबली के हुए और हम लोग चुनाव जीत के आए और आपको प्रतिपक्ष में बैठना पड़ा, वो उस दिन तय हो गया था जब झुंझुनू में नारे लगे, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारे किसने लगाए ये आपके लिए विषय हो सकता है खोज का, कैसे नारा किसने बनाया, किसने लगाया। पर जिस प्रकार की आपकी सरकार चली पाँच साल में, मैं आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष का, अभी एक घंटे में उन्होंने घुमा फिरा करके, मैं तो आभारी हूँ उनका कि मेरी बजट को पूरा रिपीट कर दिया सदन के सामने को, और कोई सारे आंकड़े आपने खुद ने स्वीकार किया, आंकड़े बनाने वाले बनाते हैं और आंकड़े आपकी गवर्नमेंट चली तब भी बनाने वाले वही थे, आज भी वही है। तो जिस प्रकार आपने विधानसभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय आपने लोकसभा चुनाव की चर्चा छेड़ दी, वो तो इतिहास बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे आए हैं वैसे जाएंगे, कोई आश्चर्य नहीं। कैंपेन चलता है, प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम क्या है, बहुत घमंड में मुझे मालूम है, कैंपेन चलता है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम क्या आपका, देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उस पर कैंपेन चलता है, हम देश के लिए क्या विजन देना चाहते हैं। उसके बजाय आप चुनाव को ले गए राष्ट्रवाद के नाम, सेना के पीछे छिप कर के आपने राजनीति करने लग गए, धर्म पे नाम राजनीति करी, तो ये कोई जीत बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। जब दंगे होते हैं तो
तो धर्म के नाम पर लोग डिवाइड हो जाते हैं। उस प्रकार से राजनीति हुई देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें आप लोग कामयाब होंगे, और जिस रूप में आप लोग कामयाब हुए वो तो पूरा देश जानता है। इसलिए अब मोदी जी ने क्यों, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्यों जीतने के बाद में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर अपनी भाषा बदल दी, पूरी तरह अल्पसंख्यकों के बारे में अहम घमंड नहीं होना चाहिए सांसदों के अंदर, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती मनाएंगे, 150 किलोमीटर यात्रा करेंगे। अरे जिस महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कौन लोग थे, बुढ़े के निकाल जिससे तक 70 साल तक महात्मा गांधी याद नहीं आए। आज हमारे उन महापुरुषों को, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे अम्बेडकर थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, किस रूप में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात तो किस रूप में करते हैं देश जानता, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो व्यक्तित्व एक महान था देश के लिए, दुनिया के लिए महान था, उसके बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास के पन्नों पर जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व, कर्तित्व, उनकी वैज्ञानिक सोच, आधारभूत ढांचा खड़ा किया देश के अंदर, आज उस नींव पे खड़ा पूरा मुल्क, उस व्यक्ति की देन थी। हम नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, हम नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, छात्र है, युवा है, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या समझेगी? इतिहास को जो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे वो जिंदगी में चाहे कितने बड़े पद पर आ जाओ अध्यक्ष महोदय, वो इतिहास कभी बना नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं इतने कहना चाहूँगा, उस चुनाव का पोस्टमार्टम करना तो अलग बात करें कभी, परंतु आज हम बैठे हैं यहाँ पर, और जिस रूप में नेता प्रतिपक्ष ने, अन्य सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं, मैं इतना कह सकता हूँ दिल से।